देखिए ना, 2024 के बारे में हमने विस्तार से बता दिया है कि 2024 में इनको डुगडुगी पीटने से ये बनने वाले नहीं हैं। 2024 भाजपा मुक्त देश होगा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 में देश को बीजेपी मुक्त कराएंगे, बीजेपी मुक्त कराएंगे या खुद से बिहार से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, ये कटास टिप्पणियां ललन सिंह और सुशील कुमार मोदी के द्वारा एक दूसरे को दी जा रही है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी को ये कहा कि 2024 से बीजेपी देश से ही मुक्त हो जाएगी। तो उनके इस टिप्पणी पर सुशील कुमार मोदी ने बोला कि बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन 2024 तक बिहार से जेडीयू जरूर मुक्त हो जाएगी। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू के नेता भाषण देते हुए कह रहे हैं कि 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल यू से मुक्त हो जाएगा। आपका तो ना आज नकल विलय होना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा बिहार में, कोई जदयू का रोवा धारा भी नहीं बचेगा। बीजेपी और जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को आगामी चुनाव में सत्ता से मुक्त कर देंगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया कि 2024 तक देश से बीजेपी मुक्त हो जाएगी। इसके जवाब में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी मुक्त भारत बनाने का सपना देखने वाले जेडीयू खुद 2025 तक बिहार से मुक्त हो जाएंगी। इस बयानबाजी के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आखिर दोनों की पार्टियां आगामी चुनाव में किस दम पर एक दूसरे का सफाया करने की दावा कर रही है, ये पटना में रविवार को हुए जेडीयू के खुला अधिवेशन में पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि 2024 में भारत को बीजेपी मुक्त बनाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि आगामी आम चुनाव में महागठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। वहीं 303 का आंकड़ा बड़ा नहीं है। जिन राज्यों में बीजेपी की सीट ज्यादा है वहां अब बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। बीजेपी का हाथ छोड़ महागठबंधन के साथ आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर केंद्र की राजनीति पर है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में उन्होंने कई पार्टियों के मुखिया से बात भी की है, हालांकि बीच में उनकी मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई है। जेडीयू के खुला अधिवेशन में एक बार फिर नीतीश की इस मुहिम को तेज करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जेडीयू नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार देश के थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनेगा। अगर उनकी विपक्षी एकजुटता की मुहिम रंग लाई तो 2024 में जीत अवश्य होगी। वो अपने स्तर पर इसकी कोशिश जारी रखेंगे। नीतीश ने दावा किया कि अधिकतर पार्टियां एकजुट हो गई तो 2024 में विपक्षी भारी बहुमत से जीतेगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने ललन सिंह के बयान पर पलटवार किया है। मोदी ने कहा है जो लोग देश के बीजेपी मुक्त कराने का सपना देख रहे हैं वे कहीं बिहार से ही मुक्त ना हो जाएं। देश बीजेपी मुक्त तो नहीं होगी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार जरूर जेडीयू मुक्त हो जाएगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। इससे प्रदेश बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस हाई है। नीतीश के साथ छूटने के बाद अब बीजेपी के लिए बिहार खुला मैदान है। 2024 और 2025 के चुनाव में पार्टी बड़ी जीत का दावा कर रही है। हाल ही में कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बिहार में बदलाव का संकेत बताया है। राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर में सीमांचल का दौरा भी किया था। आने वाले दिनों में केंद्रीय नेताओं का बिहार में दौरा कराया जाएगा। संगठन में बदलाव में भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो जहां 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में
पार्टी महागठबंधन के खिलाफ मजबूती से लड़ने की योजना बना रही है। जहां एक तरफ बीजेपी 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा जोरों शोरों से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू बिहार और खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टी को एकजुट करने में लगी हुई है। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।